दोस्तों शक्तिमान के बारे में कुछ कंफर्म अपडेट्स आ चुकी है, जैसे कि शक्तिमान बनेगी या नहीं और इसका बजट कितना होगा और मूवी में अपना देसी सुपर हीरो यानी कि शक्तिमान कौन बनेगा। 7 पॉइंट्स में इन अपडेट्स को कवर करेंगे। पहला पॉइंट है कंफर्मेशन। दोस्तों क्या सच में शक्तिमान मूवी आने वाली है? तो हाँ, शक्तिमान मूवी कंफर्म आने वाली है और शक्तिमान पे काम चालू भी हो चुका है। ये खुद भीष्मा एंटरटेनमेंट ने कंफर्म किया है, यानी कि मुकेश खन्ना जी ने। दूसरा पॉइंट है ट्रिलॉजी। और शक्तिमान मूवी इतनी बड़ी होने वाली है कि ये एक पार्ट में खत्म नहीं होगी, बल्कि ये एक ट्रिलॉजी बनने वाली है। पूरे 3 पार्ट्स में शक्तिमान को डिवाइड किया गया है और आपको भी पता है कि शक्तिमान की कहानी कितनी बड़ी है, इसलिए इसको शुरू से एक्सप्लेन करना होगा। और हो सकता है कि ट्रिलॉजी के बाद शक्तिमान के और भी पार्ट्स बने, अगर ये 3 पार्ट्स ब्लॉकबस्टर रहे तो। तीसरा पॉइंट है बजट। दोस्तों शक्तिमान का बजट काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि शक्तिमान को बड़े स्केल पर बनाने का प्लान हो चुका है, जैसे कि आदि पुरुष बड़े स्केल पर बनी थी। चलो मजाक को साइड में रखते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि शक्तिमान एक ट्रिलॉजी बनने वाली है, तो एक पार्ट का बजट कम से कम 250 से 300 करोड़ बताया जा रहा है और शक्तिमान ट्रिलॉजी का पूरा बजट 1000 करोड़ के आसपास होने वाला है। चौथा पॉइंट है कास्ट। अभी तक शक्तिमान के लिए किस एक्टर को कास्ट किया है, ये अब तक किसी को भी पता नहीं चला है, पर मुकेश खन्ना जी ने कहा था कि मूवी पे काम चालू हो चुका है, मतलब इन्होंने एक्टर तो सिलेक्ट कर ही लिया होगा। और रूमर्स कहते हैं कि रणवीर सिंह वो शख्स है जो हमारा देसी सुपर हीरो यानी कि शक्तिमान बनेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि शक्तिमान के लिए कौन परफेक्ट है जो गंगाधर और शक्तिमान दोनों कैरेक्टर में जान डाल सके? पांचवा पॉइंट है डायरेक्टर। देखो दोस्तों, मेकर्स ने कई सारे डायरेक्टर से बात की थी अपनी शक्तिमान को डायरेक्ट करने के लिए, पर बसिल जोसेफ के बारे में काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि इन्होंने मिनर मुरली जैसी सुपर हीरो फिल्म बनाई थी जो काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, इसलिए शक्तिमान को डायरेक्ट करने का काम बसिल जोसेफ को दिया गया है, ऐसे रूमर्स बन रहे थे। पर दोस्तों सच बताओ तो मेकर्स ने अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, इसलिए ये भी रूमर्स हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, मुकेश खन्ना स्टेटमेंट। देखो दोस्तों, मुकेश खन्ना भी शक्तिमान का हिस्सा हो सकते है। इनका कैरेक्टर कैसा होगा ये तो हमें पता नहीं चला है, पर शक्तिमान सीरियल में हमने कई सारे बड़े बड़े पॉजिटिव कैरेक्टर देखे है और इन्हीं में से एक किरदार मुकेश खन्ना निभा सकते है। पॉइंट नंबर 7, वाई शक्तिमान मूवी डिले। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शक्तिमान मूवी एक बड़े स्केल पर बनने वाली है और कुछ बड़ा होने वाला है, तो दोस्तों उसमें टाइम तो लगेगा ही। और मुकेश खन्ना जी ने भी यही कहा था कि शक्तिमान मूवी इसलिए इतनी लेट हो रही है क्योंकि शक्तिमान एक ट्रिलॉजी है, तो 3 पार्ट्स के बारे में पहले ही सोचना पड़ेगा और ऊपर से सोनी पिक्चर की मूवी है तो क्वालिटी और VFX को देखना पड़ेगा। और तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तब तक टेक केयर और बाय।